हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, पीवाईक्यूज की सीरीज में आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन ये ट्रांसलेशनल से रिलेटेड कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें बता देता हूँ कि अगर कभी भी एक्सेस का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस है ना किसी एंगल पे, तो हम कैसे करते हैं। तो ये क्या है अपना, आप किसी एक्सेस को किसी एंगल पे रोटेट कर रहे हो तो कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए रूल याद रखिए आप, ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ओके, और आपके न्यू कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स डैश और वाई डैश, ओके। ओल्ड कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स और वाई है और न्यू कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स डैश और वाई डैश है। तो आपको रूल क्या याद रखना है, इसको ऐसे याद रखा करिए, ओल्ड है यहाँ पे एक्स और यहाँ पे कितना वाई है, यहाँ पे एक्स डैश है और यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे कॉस थीटा, ओके, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। अब आपको एक्स चाहिए है तो एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए एक्स इक्वल्स टू जो है इस तरीके से बनेगा, एक्स आपको चाहिए है ना, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स डैश कॉस थीटा, ओके, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से आपसे y की वैल्यू पूछूँ, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस y डैश कॉस थीटा। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली। तो ऐसा फॉर्मूला, इस तरीके का आपको कन्वर्जन याद रखना है ना। अगर आपको ये कन्वर्जन याद है, इस टाइप का ट्रांसलेशन याद है, तो आप एक्सेस को जो है ईजिली आप दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी एंगल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक्सेस है, इसको थोड़ी सी जगह कम है, मैं शिफ्ट करके यहाँ पे बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली आपके पास में एक्सेस है, ये एक्स है और ये वाई है, ओल्ड एक्सेस है ना। अगर आपने पूरे के पूरे सिस्टम को जो है 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये भी 45 यहाँ पे हो गया है ना, तो यहाँ भी 45 से रोटेशन आ गया है। तो अब आपके जो पुराने कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, एक्स वाई, और नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश, और नया एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश। तो ये आपका नया जो सिस्टम आएगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू पता करने के लिए, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू पता करने के लिए आप यूज़ करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अब देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ओरिजिनल एक्सेस इज रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री, कह रहा है कि अगर ओरिजिनल एक्सेस को 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना है, पॉजिटिव पाई बाई फोर, देन यू वॉन्ट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ट्रांसफर्ड टू, तो यू हैव द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ द न्यू इक्वेशन ऑफ दिस, ओके। सो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, कंडीशन है 45 डिग्री का एंगल है, तो बना लीजिए यही सिस्टम है आपके पास में, ओके, यही सिस्टम है। एक बार फिर से मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ओल्ड आपको इधर रखने हैं, न्यू आपको इधर रखने हैं, ओके। सो ओल्ड कोऑर्डिनेट यहाँ रहेंगे एक्स एंड वाई, ऊपर आपके न्यू कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स डैश एंड वाई डैश, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। तो अब आपकी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड y की वैल्यू हो जाएगी x साइन थीटा, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। तो ये वैल्यू लेकर के आपकी x और y की वैल्यू, ये देखिए ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ओके, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और ये वैल्यू y है। सो थीटा इक्वल टू 45 पर आपने वैल्यू कितनी निकाल ली, x की ये वैल्यू आ गई, और थीटा इक्वल टू 45 पर y की वैल्यू ये आपने निकाल ली है, ओके। अब आपका जो पुराना इक्वेशन था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका पुराना इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू x और y की है, ये देखिए ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और हमको आंसर न्यू कोऑर्डिनेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओल्ड कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू x डैश माइनस वाई डैश अपॉन होल रूट टू का स्क्वायर, ये माइनस आ गया इधर, सॉल्व कर दिया आपने, ओके, सो सब कुछ सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे, और आपके पास वैल्यू आ चुकी है 2xy plus a square equal to 0, ये आपका आंसर हो गया 2xy plus a square equal to 0, ओके, डन। सो ठीक है ना, इस तरीके से आप करेंगे,
क्लियर हो गया ना। सो माइनस टू एक्स वाई एक्स डैस वाई डैस इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई थी, यहाँ पे थोड़ा मुझे बताना चाहिए आपको। सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली इक्वेशन आई थी टू एक्स डैस वाई डैस प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब इक्वेशन जो है x और y को जानता है, सो ये बन जाएगा टू एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये है इसका सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को पहले मैं आपको फुल मेथड से बताऊंगा, फिर मैं आपको लिमिट की शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंस x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस सिक्स अपॉन x प्लस वन होल टू द पावर x प्लस फोर। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले x प्लस सिक्स अपॉन x प्लस वन में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस वन अपॉन x प्लस वन प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन। ओके, सो वन अपॉन फाइव प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया होल टू द पावर एक्स प्लस फोर। अब ये जो फॉर्मेट है आप ध्यान से लिमिट अगर पुट कर दो तो ये देखो वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो होल टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब वन की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको पूरा थ्योरेटिकली करना हो तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ले लिया, तो लॉग ले करके देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब देखिए लॉग वन प्लस एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो कितनी होती है, लॉग वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। तो आपने इसको ऐसे ओपन करना शुरू कर दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वन अपॉइंट टू अलग करके वन अपॉइंट थ्री अलग करके इस तरीके से लिख लिया। ओके, अब आप क्या करो x प्लस फोर को अंदर इंसर्ट कर दो, तो x प्लस फोर इंटू फाइव अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉइंट टू। ओके, एंड सो ऑन लाइक वाइज, ये आपने x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ये सब हो गया। अब देखो लिमिट लगानी अपन को x टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट मैंने लगा ली x टेंस टू इन्फिनिटी log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी फाइव टाइम्स x प्लस फोर अपॉन x प्लस फाइव माइनस वन अपॉन टू ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, लाइक वाइज ऐसा चलता जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो वन प्लस फोर बाई एक्स और वन प्लस फाइव बाई एक्स, और अगर लिमिट पुट करोगे तो ऊपर भी वन बचेगा नीचे भी वन बचेगा, वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो, तो वन अपॉन वन। बट रिमेनिंग टर्म जो है ध्यान से देखो, इसमें x कॉमन लिया तो वन प्लस फाइव बाई एक्स, बट नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एक एक्स से एक एक्स बच जाएगा, बट स्टिल वन अपॉन एक्स बचने के कारण यहाँ पे एक एक्स तो कट जाएगा बट वन बाई एक्स तब भी बचेगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो। मतलब जितने आगे के टर्म आएंगे वो लिमिट पुट करने पर सबके सब कितने हो जाएंगे जीरो। सो आंसर कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग वाई इक्वल्स टू फाइव। ओके, सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग वाई इक्वल टू फाइव, बट हमें क्या चाहिए था, हमारा आंसर वाई था, तो लॉग को हम एलिमिनेट करेंगे तो आंसर ई की पावर फाइव में आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने का एक ये तरीका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 तो पहले कर लिया था, ये वाला भी क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। अब चलिए कुछ और कंसेप्ट पर बात की जाए। ये तो मैंने पहले से कर रखे थे क्वेश्चंस, तो मैंने इनको आपको सॉल्व करा दिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस पर बात की जाए। चलिए अगला क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको लिख करके दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर है 79 है ये, जिस बुक से मैं ले रहा हूँ, और ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपके पास में डिफरेंशिएशन इस तरीके का दिया हुआ है। ओके, ऐसे क्वेश्चन की पहचान मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे वन अपॉन एक्स है और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना दिया हुआ है, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता। आप सब लोग जानते हैं कि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं इक्वेशन कन्वर्टिबल टू लीनियर, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्टिबल टू लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो टाइप है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर के जो साथ में है e की पावर y, इस पूरे का डिवाइड कर दो। ओके, याद रखना ये जो आपके पास में है, मतलब इसको ऐसे देखो थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू e की पावर y मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। ओके, तो e की पावर y का आप पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो यदि पूरे में आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर माइनस वाई इंटू वन अपॉन एक्स और इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। इंटू कितना हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर,
ये आपने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आप देखिए e की पावर माइनस वाई को आप एक नया वेरिएबल असाइन कर लो, z। क्या असाइन कर लो, z असाइन कर लो। तो ये z में डिफरेंशियल इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो लेट e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू z। अब डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक साथ में माइनस साइन बाहर आएगा, इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया। मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी जेड बाई डी एक्स। इसका फ़ायदा क्या है, ये जो टर्म है आपका, ये पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट हो गया, ये कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है माइनस ऑफ डी जेड बाई डी एक्स प्लस e की पावर माइनस वाई को अपन ने क्या डिक्लेयर किया है, इसको z डिक्लेयर किया है, इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ओके। बच्चों क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आ गया था। सो वन अपॉन यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड इक्वल्स टू वन बाई एक्स स्क्वायर हमने कर लिया है। अब देखिए कम्प्लीटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ओके, जेड के टर्म में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब हम क्या निकालते हैं, पहले माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा बन गया है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सो ये बन जाएगा ई टू दी पावर, पी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो ये ई की पावर हो गई कितनी, माइनस का लॉग एक्स। ई की पावर इसको लिखा जा सकता है लॉग एक्स की पावर माइनस वन। सो ई से लॉग कैंसिल हो गया, एक्स की पावर माइनस वन मतलब 1 बाई एक्स। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो कितना आया है, 1 बाई एक्स आया है। अब आप इसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, वही z मल्टीप्लाइड बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ, ठीक ना, इंटू क्यू और यहाँ पे क्या जाएगा dx प्लस c। ऐसा कुछ होता है, इसका सोल्यूशन ऐसा बनता है। तो z तो z ही है, आई एफ कितना है, वन अपॉन एक्स है, आई थिंक माइनस वन बाई एक्स है ना। आई एफ कितना आया है, माइनस वन बाई एक्स की वन अपॉन एक्स, हाँ वन बाई एक्स आया है, नो प्रॉब्लम, सॉरी ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। सो वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ, यहाँ पे हो गया वन बाई एक्स, और जो अपने पास क्यू है वो है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू जो है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो जेड इंटू वन बाई एक्स इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, ये बन गया माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। सो जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू, माइनस बाहर करिए, एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन माना माइनस टू, और यहाँ पे भी कितना, माइनस टू प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना आ चुका है ये। अब हमें आंसर चाहिए वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो यदि मैं पूरे में टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर में टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया एंड सी इंटू टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया टू सी एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया, टू जेड एक्स इक्वल्स टू वन प्लस
टू सी एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1 प्लस टू सी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जेड। और आपको पता हो कि जेड क्या था, e की पावर माइनस वाई को मैंने जेड लिया था स्टार्ट में, ये देखिए कहीं पर बना होगा, e की पावर माइनस वाई को मैंने जेड सपोज किया था, ठीक है ना। तो e की पावर वाई को मैंने जेड सपोज किया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये वैल्यू पुट करने पर क्या बनेगा, एक सेकेंड, हाँ ये वैल्यू पुट करने पर क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू 1 प्लस टू सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू दी पावर y। सो गाइज ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया डन। तो ये आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके पाई बाई टू में, जीरो से लेके सॉरी पाई में, और फंक्शन जो इंटीग्रेट करना है दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा का मॉड, साइन ऑफ क्यूब थीटा का मॉडुलस डी थीटा। अब देखिए साइन क्यूब थीटा जो होता है, यदि मैं देखूँ कि मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा क्या है, ठीक है ना, तो इसे देख सकता हूँ कि मैं ये जो है ये है साइन थीटा का होल क्यूब। ओके, और लिमिट आपके पास कितनी दी गई है, जीरो टू पाई। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो से लेके पाई है तो आपको पता है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड निकलता है एज इट इज़ निकल आता है, मतलब साइन क्यूब थीटा, मतलब ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, तो इसमें कौन सा लग जाएगा कंसेप्ट, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी टू टाइम्स वाले में, तो आपका जो इंटीग्रेशन ये जो है ये कैसे ब्रेक होगा, आप लोगों ने प्रॉपर्टी अगर पढ़ी है तो एक बार में आपको क्लिक हो रहा होगा, प्रॉपर्टी है ये टू टाइम्स हो जाएगा जीरो से लेके पाई बाई टू, और ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स या वट एवर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप इसको लेबनीज रूल से बड़े आराम से, सॉरी वॉलीज रूल, नो लेबनीज, वॉलीज रूल से बड़े आराम से कर सकते हो। तो वॉलीज रूल क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे थ्री, और थ्री के बाद ऑड सब्ट्रैक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो थ्री के बाद कितना आ गया, वन, और इसके बाद यहाँ पर एक कम, टू। ओके, और इवन सब्ट्रैक्शंस नीचे क्या होते हैं, मतलब स्टार्ट करके दो दो का गैप और ऊपर एक कम से फिर हम लोग को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि सबसे पहले थ्री है, फिर थ्री माइनस, है ना, सबसे पहले क्या किया, थ्री माइनस ज़ीरो, फिर थ्री माइनस टू आपने किया है। ओके, देन इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री माइनस वन, है ना। अब थ्री माइनस के वन में अगला ऑड अगर सब्ट्रैक्शन करोगे थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये आपको नहीं करना है, है ना, बस। तो इसलिए यहाँ तक आपको रोक देना है। अब यहाँ पर आपने रोका है तो देखिए ऊपर कितना आ चुका है, ऊपर आया है टू, नीचे आ चुका है थ्री माइनस वन, कितना हो गया टू, और इधर पे थ्री इन टू वन, क्योंकि वन लगा है इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे टू होता, मतलब सीधी सीधी बात है कि ऑड पावर है, तो ऑड पावर में मल्टीप्लाई किसका होता, वन का होता है, क्योंकि लास्ट में वन आया इसलिए वन का मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा फोर बाई थ्री। और अगर इवन पावर होती, मतलब फॉर एग्जांपल यहीं पर केस होता साइन की पावर फोर थीटा, तो आप एट द लास्ट में कितने का मल्टीप्लाई करते, पाई बाई टू का। तो इसकी जानकारी मैंने अपने डिटेल वीडियो में दे रखी है, यहाँ पर इसका हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका कितना बन गया दोस्तों, फोर बाई थ्री इज़ द करेक्ट आंसर, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो जेईई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और फिर ये यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ आप यहाँ पे से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर वी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर थ्री यूनिट वेक्टर, मतलब ये सब के सब क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक ना, ये सब के सब क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि देन a माइनस बी का स्क्वायर
प्लस वेक्टर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी माइनस ए का स्क्वायर जो है डज नॉट एक्सीड, इसकी जो वैल्यू है एक्सीड नहीं करेगी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगी। किन ऑप्शंस दिए हैं? ए दिया है 4, बी दिया है 9, सी दिया हुआ है आपका 8 एंड डी इक्वल टू 6। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनकी वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है किससे ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, हम जो है हमको स्टार्ट कहाँ से करनी है, इस एक्सप्रेशन से। ओके, हम इस एक्सप्रेशन का कुछ नाम ले लेते हैं, लेट ये एक्सप्रेशन का नाम हम ले लेते हैं वाई। तो वाई इज इक्वल टू है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था भूल गया था, ओके सी माइनस ए का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो किसी वेक्टर का स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, एज मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये बन सकता है वाई इज इक्वल्स टू, इसको बन सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो टेक्निकली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ टेक्निकली सिग्मा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि सारे टर्म इसमें आ जाएंगे, तीनों टर्म सिग्मा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सिग्मा ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ए डॉट बी और प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। ओके, अब आपको पता है कि जो यदि मैं इसको ओपन करता हूँ सिग्मा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो होता है वो वेक्टर ए मॉड ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू ए डॉट बी और बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 1। सो इंटायरली ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 टू माइनस टू ए डॉट बी। ओके, टू माइनस टू ए डॉट बी। अब ये देखिए इसमें यहाँ पे मैंने 2 माइनस टू ए डॉट बी, अब यदि मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये सिग्मा 2 माइनस टू टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी। अच्छी बात है, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, एक्चुअली हमारे पास कितने टर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मैं तीन टर्म, तीन बार है मेरे पास एडिशन, एक ही बार ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मतलब ये 2 कितने बार प्रोड्यूस करेगा, ऑल टोटल 3 टाइम्स प्रोड्यूस करेगा। तो सिग्मा 2 किस में टूटेगा, क्योंकि ये प्रोसेस तीन बार हो रही है, तो 2 3 6, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सिग्मा 2 बन रहा है दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 हो चुका है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 2 को कंस्टेंट अंदर कर दीजिए ए डॉट बी। ओके, ये क्या चल रहा है अपने पास, वही चल रहा है, ये क्या चल रहा है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को अपन ने वाई बोला है ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता लगाते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ पे एक नई चीज़ आ चुकी है, इसको मैं फिर से बताऊँ, ये टू ए डॉट बी। तो आपको पता है कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है और यूनिट वेक्टर, तो स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करता हूँ, आपको पता है कि वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो खैर तो ये ठीक है ग्रेटर देन 0, बट ओपन तो यहाँ से होगा है ना। तो कैसे ओपन हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ, अब ये इसको ओपन करोगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू कितना 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस। तो आप इतने वाले पार्ट को रोक लो, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए डॉट बी जो है वो माइनस 3 से ग्रेटर है। बहुत कमाल की बात कि 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए प्लस बी जो है ये माइनस 3 से ग्रेटर है। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इत्मीनान रखिए, कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या लॉजिक बन चुका है कि 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो माइनस 3 से ग्रेटर है। सो माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो लेसर होगी किससे, 3 से। और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ये देखिए 6 माइनस, मतलब इसमें 6 ऐड करना है। तो यदि मैं 6 ऐड कर दूँ दोनों तरफ, तो प्लस 6 यहाँ आ गया,
टू टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी लेस देन 6 + 3, ओके, बिकॉज आपने 6 ऐड कर दिया तो 3 + 6 लिख लो, मतलब ये क्या बन गया, 6 - 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी इज लेस देन और इक्वल टू 9, इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये क्या था आपको याद होगा, ये था सिग्मा मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब। और यदि इसको आप ओपन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 9। चाहे तो आप मॉड भी लगा सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर का स्क्वायर, किसी वेक्टर का स्क्वायर, नंबर का नहीं, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, बहुत ज़बरदस्त। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका अपना डन। चलिए नोट कर लो इसको एक बार, शुरू से देख लो जल्दी स्पीड में। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी 9 से एक्सीड नहीं होगी, तो यदि मैं टिक मारूं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैन नॉट, डज नॉट एक्सीड देन 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्या है क्वेश्चन भाई साहब, क्वेश्चन है ये पीजीटी का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 1, 2, ओके, टेन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स 5xy - 10। देखने में खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है बट है एकदम लल्लू। तो देखो कैसे करो, x की वैल्यू 1 और 2 पुट करो, तो 2 - 1 - 2, मतलब एक कौन सी फॉर्म दे रहा है आपको, 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल तो लगता बट यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल अपन को परेशान करेंगे। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसको चहने रहने दो, इसको आप क्या करो, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 1, 2, इसको रहने दो आप। ओके, 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर पे टेन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 है, नीचे से साइन इनवर्स, अगर आपने 5 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 5 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 5xy - 2, ओके, 5xy - 2। अब एक काम करिए, लेट xy - 2 इज इक्वल्स टू थीटा, xy - 2 = θ, आपने इसको समोच कर लिया। और साथ ही साथ देखो कि अगर x टेंड्स टू 1 है, क्योंकि x 1 को टेंड कर रहा है और y 2 को टेंड कर रहा है, तो थीटा कहाँ टेंड करेगा, xy की वैल्यू 2 - 2 - 2 यानी कि 0, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0। तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्योंकि xy का 1, 2 की तरफ जाना मींस आपका थीटा का 0 की तरफ जाना, और ये क्या बन जाएगा, थीटा टेंस टू 0। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 का मतलब क्या बोल दिया आपने, थीटा, और नीचे साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया 5θ। ओके, अब कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 5θ, ठीक है ना। तो अब इसको आपको बस एडजस्ट करना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे आपको टेन इनवर्स थीटा होल डिवाइडेड बाई थीटा किया, यहाँ पे साइन इनवर्स 5θ होल डिवाइडेड बाई थीटा किया, बट यहाँ पे क्या, देखो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा ये तो ठीक है, बट यहाँ पे 5 चाहिए है और 5 के मल्टीप्लाई के लिए 5 का डिवाइड चाहिए। अब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब आप लिमिट को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बड़ा काम बन जाएगा आपका। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर हो जाएगा बच्चों लिमिट थीटा टेंस टू 0, ओके, ऊपर टेन इनवर्स थीटा डिवाइड बाई थीटा, और यहाँ पर कितना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 5 कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, और साइन इनवर्स 5θ डिवाइड बाई 5θ, तो ये वैल्यू बन गई कितनी, 1, नीचे 5 बाहर, और ये वैल्यू बन गई 1। सो करेक्ट आंसर इसका होगा 1/5, तो इसका सही आंसर भी है 1/5, सो इट इज़ बीइंग डन। चलिए ऐसे ही एक आपको और क्वेश्चन कराता हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम में आया था, एक क्वेश्चन नंबर 31 था जिस एग्ज़ाम में पूछा गया था, क्या था, देखिए क्वेश्चन था लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0, ऐसा था,
लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एंड वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखो भाई क्या करो कि आप जो है थीटा इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर एक्स और वाई टेंड्स टू 0,0 मूव कर रहे हैं 0,0, देन डेफिनेटली थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन थीटा टेंड्स टू 0, ओके, वाई की जगह तो आप वाई रहने दो क्योंकि वाई को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन ऑफ यहाँ पे थीटा हो गया और अपॉन में कितना हो गया, थीटा हो गया, ओके। अब यदि देखिए थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और थीटा टेंड्स टू 0 और ये आपके पास में साइन थीटा बाई थीटा। अब थीटा टेंड्स टू 0 में एक्चुअली यदि आप देखते हो शुरू से यहीं पर देख लेते तो देखो ध्यान से ये 1 की स्ट्रक्चर बच रही है बिकॉज ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रहा है और ये स्ट्रक्चर किसकी बन रही है, 1 की बन रही है और ये कितना हो जाएगा, 0। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 0 क्योंकि x टेंड्स टू 0 और वाई टेंड्स